हेलो एवरीवन, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की भी क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज वे में विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। सिर्फ क्या बोलना है कि ऑल इज वेल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जो आपको पता है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग भूमिका और वैद्युत विभवांतर बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव तथा वह क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। हाँ या ना, ठीक है सर। सर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर पहले में पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र। हाँ या ना, मैंने बताया था कि चैप्टर जो पहला है ना कूलम्स लॉ वाला, वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। जितने टॉपिक उसमें पढ़े थे वहां पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, अब उस वैद्युत क्षेत्र को हटा दो, वैद्युत विभव को लगा दो। यहां पर हम लोग वैद्युत विभव बताएंगे, समझ में आया, ठीक। तो हर जगह वैद्युत विभव हर जगह क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। हाँ, हर जगह वैद्युत विभव होगा। चलिए तो पढ़ेंगे आज, सब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव देखेंगे, इसके दो केस देखेंगे। एक अच्छी स्थिति, जैसे वहां पर किया था कि एक डायपोल ले लिया था, इस डायपोल के सीधे एक्सिस पे रख दिया था, एक पी पॉइंट रख दिया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र निकाला था। लेकिन आज हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। एक एक्सिस पर निकालेंगे अच्छी स्थिति पर, फिर इसी पी बिंदु को, इसी पी पॉइंट को हम लोग कहाँ पर रख देंगे, बिल्कुल इससे आर दूरी पर, सेंटर पर रख देंगे, फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति निकालेंगे, इक्विटोरियल पोजिशन पर निकालेंगे, समझ में आया। इसके बाद वह क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, क्या याद है हम लोगों ने टॉर्क निकाला था, याद आया, पहले चैप्टर में सबसे आखिरी टॉपिक था। हम लोगों ने ऐसे करके एक यूनिफॉर्म, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैद्युत क्षेत्र था, उसमें हम लोगों ने द्विध्रुव को रख दिया था। अब वो द्विध्रुव ऐसे ऐसे घूम रहा था, हम लोगों ने टॉर्क निकाला था। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे और उस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रख देंगे, फिर ये जब ये घूमेगा तो घूमने पर इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, जितना कार्य होगा वही हमारा स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो हम लोग वो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। समझ में आया आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को दबाना भैया ना भूलें, ठीक है, क्योंकि उससे आपको नई नई अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने बताया कि हम लोग दो, पहले एक केस करेंगे, पहले अच्छी स्थिति देखेंगे, फिर हम लोग इसकी निरक्षीय स्थिति देखेंगे। सर अच्छी स्थिति पढ़ते हैं। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, ठीक है, कहां पर देखेंगे, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव देखेंगे, विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, पहले थोड़ा समझाते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, सेम ऐसे यहां पर भी होगा। एक मेरे पास द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव, मान लेते हैं ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, कितनी है, 2L है, सेंटर पॉइंट ओ ले लेंगे। इस ओ से कहां पर, पी दूरी पर, इमेजिन करना जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस ओ से पी दूरी पर यहां पर क्या रखा होगा, एक पी बिंदु रखा होगा, एक पी पॉइंट रखा होगा। इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब वैद्युत विभव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम डायग्राम वही कि पहले बना देते हैं, ओरली मतलब मुंह जवानी डायग्राम बनाया करो, फिर इसके बाद पेन कॉपी पे करेंगे, ठीक है, मतलब आपके पास पेन कॉपी है, मेरे पास कुछ और है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ए भी एक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है, माइनस क्यू आवेश इधर रखा है, प्लस क्यू आवेश इधर रखा है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। तो ओ से पी तक की दूरी, बिल्कुल एक्सिस पर बिल्कुल सीधी लाइन, यहां पर पी तक, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ओ से पी तक की दूरी यहां पर क्या रखा है, एक इस पी पॉइंट पर मुझे वैद्युत विभव बताना है, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस क्यू के कारण, सबसे पहले एक प्लस क्यू के आवेश के कारण देखेंगे, एक माइनस क्यू के, जो पास है वो पहले वी1 ले लेंगे, जो दूर है वो वी2 ले लेंगे। तो हम लोग वी1 निकालेंगे, वी2 निकालेंगे। अब
क्योंकि विभव, विभव क्या है, स्केलर है या फिर अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो आप बोलोगे सर मैंने पढ़ाया है कि जो विभव है वो अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब डायरेक्ट ऐड कर देंगे, वी ए प्लस बी बी, हम लोग दोनों को वी वन और वी टू को ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि अगर आपने डायग्राम सीख लिया, इस पूरे सिस्टम का अगर डायग्राम सीख लिया, तो फिर डेरिवेशन रहता नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं डायग्राम सर। तो क्या होगा यहां पर, ऐसे करके मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको नाम दे देते हैं ए, और इधर बी। यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये सेंटर पॉइंट ओ है। ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 2L होगी। तो ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L। और ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्सिस से ऐसे 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 आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर एक पी बिंदु रख देंगे। क्या रख देंगे? एक पी बिंदु रख देंगे। इस पी बिंदु पर मुझे क्या बताना है? वैद्युत विभव की, मतलब वैद्युत विभव की वैल्यू बतानी है। तो इस पी बिंदु पर क्या करेंगे? आपको पता है कि ओ से लेकर साहब पी तक की दूरी कितनी होती है? ओ से लेकर पी तक की दूरी होती है आर। कितनी होती है? आर होती है इसको, हाँ। ओ से लेकर पी तक की दूरी होती है आर, ठीक। ओ से लेकर पी तक की दूरी आर। अब मैंने पूछा कि सर बी से लेकर पी तक की दूरी आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अब इतनी दूरी r है, o से लेकर p तक की दूरी r है, और b से लेकर p तक की दूरी क्या हो जाएगी? r माइनस l। बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, ठीक। समझ में आया? बिल्कुल सर। क्या आप a से लेकर p तक की दूरी बता सकते हो? जब इतनी दूरी तो r है, यहां तक दूरी r है, l और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? r प्लस l। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां पर क्या होगा? ba भी निकालेंगे, bp भी निकालेंगे, मतलब दो निकालेंगे। इस p बिंदु पर क्या निकालेंगे हम लोग? va निकालेंगे। किसके कारण देखेंगे? पहले प्लस क्यू के कारण देखेंगे बी ए विभव, फिर किसके कारण देखेंगे? फिर माइनस क्यू के कारण देखेंगे बी वी देखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए डायग्राम समझ में आया, जल्दी से डायग्राम को बना लीजिए। किसको बना लीजिए? जल्दी से डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से डायग्राम बनाइए, जल्दी से। बना लिया डायग्राम? ओके सर, डायग्राम बना लिया, फिर बढ़ते हैं आगे। समझ में आया? तो हम लोग क्या निकालेंगे? पहले बी ए निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, फिर बी वी निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। दोनों अदिश राशि हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। देखिए पढ़ते हैं जरा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू में बना है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, ठीक। जिनके बीच के माध्यम मध्य दूरी मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां पर मध्य डायपोल के बिल्कुल सेंटर पे O पॉइंट है, O पॉइंट से P दूरी पर, O पॉइंट से P बिंदु है जो कि R दूरी पर रखे है, जहां पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सही है, बढ़े आगे, ठीक। तो ये इरेज कर दें, ये इरेज कर दें, ठीक है सर, ठीक। तो बिंदु पी पर P की प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? R माइनस एल है, अभी हम लोगों ने देखा। और बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है? R प्लस एल है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेश के। अब मैंने एक पॉइंट बताया था कि प्लस क्यू आवेश का विभव प्लस होगा, माइनस क्यू आवेश का विभव माइनस होगा। तो हम लोग चिन्ह के साथ लेते हैं विभव को, कैसे लेते हैं? चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस के साथ लेंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग? बी ए इक्वल्स टू प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन दूरी कितनी रहेगी? प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, इसको डाल देते हैं इक्वेशन पहली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू के कारण मैं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। हाँ, या फिर इसको इधर करता हूं, एक मिनट, इधर करता हूं। तो प्लस क्यू के कारण कितना होगा? वी ए इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। इक्वेशन पहले डाल दिया प्लस क्यू। माइनस क्यू के कारण क्या होगा? बी वी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल। इक्वेशन कितना डाल दिया? दो डाल दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट भी बताना, तो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि अदिश राशि है। कर देते हैं सर। परमाणिक विभव क्या होगा? तो V इक्वल्स टू वी ए प्लस
वी बी, तो वी इक्वल्स टू वी ए की वैल्यू कितनी है, सर ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन आर प्लस एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, अब बस ऐड कर दो, क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो वी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां माइनस लगा देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या रखते हैं, वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल, 1 अपॉन आर माइनस एल, माइनस का साइन 1 अपॉन आर प्लस एल। कोई दिक्कत परेशानी, 1 अपॉन आर माइनस एल और 1 अपॉन आर प्लस एल, ठीक। जरा एक मिनट इधर देखना, हाँ ठीक है, प्लस क्यू के कारण आर माइनस एल होगा, ठीक। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ले लें एलसीएम r माइनस एल और ये हो जाएगा r प्लस एल, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा r प्लस एल, माइनस का साइन ये कट जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो r और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस l, माइनस r से प्लस r कैंसिल हो गया, एल एल टू एल हो गया। तो v इक्वल्स टू q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बस इतना ही बचा। तो इसको सही से लिख दें क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 क्या होता है पी होता है, होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब वही चीज, आर बहुत बड़ा है एल बहुत छोटा है, तो साहब बहुत बड़े में से अगर बहुत छोटा अगर घटा दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि आर आर बहुत 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 बड़ा है एल से, तो एल को निगलेक्ट कर देंगे, तो वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना, नहीं ना, तो जल्दी से इसका। अच्छा एक और चीज, अभी मैंने निकाल दिया कि k की वैल्यू 1 ले ली, अगर यही बोल रहा है परावैद्युतांक बोला जैसे, तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे v equals to 1 upon 4 pi epsilon naught और यहां पर k और ले लेंगे, क्या ले लेंगे k q upon p upon r square, बस सही है। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट डेरिवेशन, इसको करते हैं ऑल क्लियर और हम लोग आते हैं इधर की तरफ, ठीक, इसको भी करते हैं क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक। वही सब लिखा था, प्लस क्यू आवेश मैंने ये पूरा उधर की तरफ कर दिया था, माइनस क्यू के कारण देखा था, फिर दोनों को ऐड कर दिया था वी वन और वी टू और हमारा आंसर आ गया था। अब हम लोग करेंगे सेकेंड केस, क्या देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का सेकंड केस। सर सेकंड केस क्या कहलाता है, आइए देखते हैं सेकंड केस क्या लेंगे हम लोग। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, इस वैद्युत द्विध्रुव के अभी पी पॉइंट यहां पर लिया था, पी पॉइंट यहां पर लिया था, पी बिंदु यहां पर लिया था, एक्सिस पर लिया था, अच्छी स्थिति पर लिया था। अब इस पी बिंदु को उठा के ले आओ ऊपर, कहां पर ले आए, यहां पर ले आए, ठीक है। अब इस पी बिंदु पर यहां पर रख देंगे, अब यहां पर हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे, ठीक है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव देखेंगे, तैयार है ना। ओके सर, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, इसके मध्य दूरी ओ से लंब अधर अधरक पर आर बिंदु पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना होगा। आइए सर देखते हैं, बनाते हैं इसको, पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं और फिर उस डायग्राम का देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप चौंक जाएंगे ऐसा आंसर आने वाला है। हाँ ठीक है, करते हैं, क्या करना है, ओके इधर ही बनाते हैं, ठीक है, जिधर डेरिवेशन करेंगे चलो इधर ही कर देते हैं। पहले बनाते हैं द्विध्रुव, ये क्या है, मेरे पास एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसको नाम दे दिया ए, इधर बी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, कितनी है 2L है, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है,
ये है ओ, ये ओ बिंदु है, ओ से लेकर अब यहां पर बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ो, यहां पर पी बिंदु रख दें, क्या रख दें, पी बिंदु। इस पी बिंदु पर मुझे निकालना है वैद्युत विभव निकालना है। ओ से लेकर पी तक की दूरी सर आर होती है, कितनी होती है, आर होती है। इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं, ठीक, मिला दिया। अब इस पी बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, वी ए निकालना है, मतलब माइनस क्यू के कारण एक विभव लगेगा और एक प्लस क्यू के कारण लगेगा, वी ए निकालना है और वी वी निकालना है। इन दोनों, अब एक बात बताना, ये दोनों जो विभव होंगे ये कैसे होंगे, ये दोनों विभव अदिश राशि है तो हम लोग डायरेक्ट इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। अब ए से लेकर ओ तक की दूरी सर कितनी होगी, सर ए से लेकर ओ तक की दूरी एल होगी, और ओ से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी, ये भी एल होगी। ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो सर ये बीपी दूरी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये एल है ये आर है, आ गया। एपी दूरी भी बराबर होगी। अब समझ में आया, अब देखो पढ़ो जरा समझ में आएगा। माना कि एक बिंदु, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहां पर स्थित है, जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है, इसके मध्य बिंदु ओ से लंब अधरक पर आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इसके सेंटर ओ पॉइंट से आर दूरी पर, बिल्कुल परपेंडिकुलर चले जाओ ऊपर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव हम लोग प्लस क्यू के कारण देखेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण देखेंगे। प्लस क्यू के कारण क्या आ जाएगा, प्लस क्यू के कारण क्या है, प्लस क्यू मतलब बी बी होगा, ठीक है। तो बी बी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक में है तो के लिख लेते हैं, के प्लस क्यू अपॉन आर कितना है, हम लोग बी पी ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी पी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक, बी पी लिख दिया। चलो अच्छा बी पी की वैल्यू भी रख दो, वी वी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, यहां तक समझ में आया, ठीक। बड़े आगे ये किसके निकल आई, वी वी की वैल्यू निकल आई प्लस क्यू आवेश कारण, अब क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड बदलनी पड़ेगी, ले लिया, ठीक है, बढ़ते हैं सर। माइनस क्यू आवेश के कारण देख लेते हैं, तो वी ए इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट माइनस क्यू अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सर सेम था, एपी भी सेम था। अब अतः बिंदु पर परमाणिक विभव बता दो, तो वी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी वी, वी ए कितना है, वी ए इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट माइनस का क्यू, यही तो है ना, अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस का साइन। वी ए की वैल्यू कितनी थी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, प्लस क्यू था, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक बात बताना, दोनों चीजें सेम है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो एक दूसरे से ये कट नहीं जाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, v इक्वल्स टू जीरो, कितना आएगा, जीरो। तो देख रहे हो, मैंने कहा था हैरान कर देने वाला है, इतना पूरा डेरिवेशन, आंसर जीरो, अरे सर जीरो, हाँ भैया जीरो, अच्छी स्थिति का आंसर आता है, ठीक है, कुछ वैल्यू आती है, और निरच्छी स्थिति में क्या होता है, विभव है और विभव अदिश राशि है, तो हम लोग इसको डायरेक्शन कंपोनेंट के फॉर्म में, जैसे वहां पर तोड़ा था वैद्युत क्षेत्र में कंपोनेंट E1 और E2 को cos थीटा और sin थीटा, लेकिन यहां नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो सर क्या है, वो दिशा के साथ थी, सदिश राशि थी, लेकिन ये अदिश राशि है, अदिश राशि है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, हमें कोई मतलब ही नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्ट ऐड किया, एक पॉजिटिव था, प्लस चार्ज का विभव प्लस होता है, माइनस चार्ज का विभव माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, और दूरी भी सेम थी, क्योंकि दूरी के दोनों कैसी थी, सेम थी, इससे ये कट गया, आंसर आ गया जीरो। समझ में आया, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। बड़े ओके सर, आइए अब देखते हैं, वह क्षेत्र में स्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, मान लेते हैं ये रूम है, और इस रूम में हर एक बिंदु पर, मतलब इस रूम में ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बह रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, कोई एक द्विध्रुव ऐसे करके हम जेम से निकालेंगे, मान लेते हैं ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू,
ठीक है, जिसकी लंबाई 2L है, मैंने इस ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसको मैंने किसी ना किसी एंगल पर इस तरीके से रख दिया, इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी ना किसी एंगल पर रख दिया। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, वलयुग्म लगेगा, ऐसे ऐसे कपल कार कपल बनाएगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। जब घूमेगा तो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो जब कोई चीज चलती है तो क्या होता है, कार्य होता है, कितना कार्य होगा, वो कार्य निकाल लेंगे। वही कार्य हमारा किसके फॉर्म में स्टोर होता है, मैं बता चुका हूं, स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना है कि हमें कार्य निकालना है, क्या निकालना है, कार्य निकालना है। जैसे ही कार्य निकालेंगे तुरंत उस कार्य को स्थितिज ऊर्जा के इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल सर। आइए बढ़ते हैं। माना एक द्विध्रुव जिसका आघूर्ण पी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। आइए देखते हैं, पहले बनाते हैं डायग्राम। ये क्या है हमारा, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड, कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब इसमें हम लोग बना देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि किसी ना किसी एंगल पर टिका हुआ है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, इसको नाम दे दिया ए, और इधर बी, इधर होगा माइनस क्यू आवेश और इधर होगा प्लस क्यू आवेश, और इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। ये क्या है, ई है, यहां तक समझ में आया। कितने एंगल पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, कितने एंगल पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण पी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बल निकालना है। बल का मतलब है फोर्स निकालना। फोर्स कौन सा लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो फोर्स लगेगा, ये टॉर्क लगेगा। इतना टॉर्क हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, टाउ इक्वल्स टू PE, हम लोग निकाल चुके हैं ना पहले वाले चैप्टर में। तो PE साइन थीटा, ये क्या आया था, ये हमारा टॉर्क आया था, यही तो आया था, ठीक। अब मुझे क्या निकालना, ये कहीं ना कहीं मुझे टॉर्क पता चल गया कि इतना फोर्स लगेगा जिसके कारण ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। इस पर जब फोर्स, कौन फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। कितना फोर्स, टॉर्क एक बल है, टॉर्क क्या है, फोर्स है। तो टॉर्क लग रहा है फोर्स, जिसके टॉर्क ही वही फोर्स है जो इसको गोल गोल घुमाएगा, जिसके कारण उस पर वर्क होगा। तो हमें कार्य निकालना है, आपको इतना पता चल गया, ठीक है। अब निकालते हैं कार्य, क्या निकालते हैं कार्य। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अच्छा मान लेते हैं, अरे यार वो भी चला गया, ओके ओके ओके, एक मिनट, ठीक, हाँ ठीक है। मान लेते हैं इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, यहां रखा था और ये घूमकर ऐसा आ गया। तो छोटा सा, जब कोई चीज छोटी सी डिस्टेंस चलता है, जैसे dx दूरी थी, छोटी सी दूरी चली, dx ले लिया, ऐसे ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, छोटा सा एंगल चलेगा तो d थीटा ले लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट चली तो छोटा सा ही कार्य होगा। तो dw इक्वल्स टू क्या बोलोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डी थीटा हुई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स, अभी कौन सा लग रहा है, किस फोर्स के कारण ये घूम रहा है, टॉर्क फोर्स। कौन, क्या होता है टॉर्क फोर्स, पीई साइन थीटा डी थीटा। ये हमें पता क्या चल के आ गया, हमें वर्क पता चल के आ गया। क्या पता चल के आ गया, कि काम कितना हो रहा है, जब टॉर्क फोर्स लगता है इस वैद्युत द्विध्रुव पर, तब ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करता है, थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाता है। इतना डिस्प्लेसमेंट होने पर कार्य होता है, कितना कार्य होता है, पीई साइन थीटा डी थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग मानते हैं कि पूरा घूमने में इसको कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, जब ये पूरा घूमेगा तब इसको काम कितना करना पड़ेगा। यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयास करता है। यह जो बल आघूर्ण है, कह रहा है कि जैसे वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयास करता है, इसके विरुद्ध यदि द्विध्रुव को अन्य कोणीय स्थिति तक घुमाना हो, तब वहां कार्य करना पड़ता है। अगर पहले तो ये ऐसे करके घुमाने का प्रयास कर रहा है, अगर हम लोगों को इसके विरुद्ध घुमाना है, इस टॉर्क, इस ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके विरुद्ध घुमाना है, तो हम लोगों को बाहरी कार्य करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा, वो कार्य करेगा।
थीटा कोणीय स्थिति में द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य कितना होगा? dw equals to f dot d थीटा, dw equals to pe sin d थीटा। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल सर, बड़े आगे। इसके बाद बात कर रहा है कि मान लेते हैं कि अब ये यही जो है, अब ऐसे करके यहां से मान लेते हैं ये d1 से d2 घूमा, कितना घुमा? थीटा वन से थीटा टू घुमा, मतलब एक कोण पर रखा था, इसे ऐसे करके रखा था, मान लेते हैं 45 ऐसे करके 90 है, ये 45 डिग्री पर रखा था। अब इस ये कैसे घुमा है? 45 डिग्री से 30 डिग्री घुमा है, 45 से 30 घुमा है, तो एक थीटा वन कितना? 45, और कितना घुमा है? 30 तक घुमा है, तो थीटा टू कितना हो गया? 30 हो गया। मतलब ये थीटा वन से थीटा टू घुमा है तब कितना कार्य होगा, निकाल लेते हैं। तो हमें कार्य इतना पता चल गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा लाना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको करते हैं इरेज। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई साइन थीटा डी थीटा, हमें कहां से कहां तक चाहिए? हमें चाहिए थीटा वन टू थीटा टू, यही तो चाहिए। बिल्कुल सर, छोटा सा वर्क है, पूरा करेंगे बड़ा आ जाएगा, मतलब डब्ल्यू आ जाएगा। पी इस कॉमन निकल आएगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चेंज होगा, ना ही हमारी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चेंज होगी, तो पी ई तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? थीटा वन टू थीटा टू और साइन थीटा, ये थीटा है डी थीटा, ये बचा इतना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से बताओ। ऐ सर हमें नहीं पता। अरे बता दो यार, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा, रख देते हैं। तो w इक्वल्स टू पी ई थीटा, अभी तो बता रहे हैं, फिर मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप ही को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐसे करके, ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा और डी थीटा तो हट गया, ठीक। कहां से कहां तक? थीटा वन टू थीटा टू। अब क्या रखेंगे? अब हम लोग लिमिट रख देंगे। लिमिट कौन है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार थीटा की जगह थीटा टू रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर थीटा वन रखेंगे, ठीक। तो इसको इरेज कर दें क्या, इधर वाले को, डायग्राम को बना लिया हो तो, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई, रखो जरा, माइनस का कॉस थीटा टू, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर रखेंगे माइनस कॉस थीटा वन रखेंगे, तो माइनस ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का कॉस थीटा वन, ब्रैकेट वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीई माइनस कॉस थीटा टू, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन। इसको सही से लिख लें तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये क्या आ गया? वर्क आ गया, किया गया कार्य आ गया। ये क्या आ गया? किया गया कार्य। कि सर कितना कार्य करना पड़ेगा अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक कोण थीटा वन से थीटा टू अगर चलता है? समझ में, कितना करना पड़ेगा? पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर। अब आपको पता है यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इतना फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लिया? ओके, मेरे साथ लेते जाना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है सर। बढ़े आगे, फिर करते हैं ऑल क्लियर। यही कार्य आपको पता है, डब्ल्यू निकल आए, यही किया गया कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। यही कार्य निकाय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तब हम स्थितिज ऊर्जा यू को द्विध्रुव के किसी झुकाव थीटा से संबंध कर सकते हैं। अन्य स्थिति ऊर्जाओं की भांति यहां हमें उस कोण के चयन की स्वतंत्रता है, हम कोई भी कोण ले सकते हैं। जिस प्रकार विभव स्थिति ऊर्जा यू शून्य माना जाए, मान लेते हैं कि जो हमारा थीटा वन है, आप कैसे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर वैद्युत द्विध्रुव कुछ ऐसे रखा है, ठीक है। मतलब जो पोजीशन दे रखी है वो ऐसे दे रखी है, मतलब पहले फिक्स कर दिया कि जो थीटा वन है वो 90 डिग्री है, अब तुम घुमाओ इसको, अब घुमाओ, तो थीटा वन कितना कर दिया? 90 डिग्री कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि W इक्वल्स टू कितना आया था? PE cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। तो W इक्वल्स टू PE, अब मुझे नहीं पता थीटा टू, नहीं पता, मतलब पहला वाला फिक्स कर दिया जो आया है कि ऐसे ऐसे वैद्युत क्षेत्र है, और यहां पर मैंने क्या रख दिया? वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब घुमाओ इसको, कितना घुमाना पता नहीं, जितना बताए वो 60 45 जितना बताए, लेकिन वो उसने कितना कर दिया? 90 कर दिया। तो कॉस 90 वैल्यू, कॉस यहां पर लिखते हैं कॉस 90, बताओ जरा कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है जल्दी से? डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई
कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये तो जीरो हो गई। माइनस का कॉस थीटा टू, अब तो है थीटा टू तो थीटा ही ले लें, ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, और ये कॉस थीटा, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। और आपको पता है यही कार्य किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो क्या मैं यू, इस यू की जगह डब्ल्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल, इस डब्ल्यू की जगह यू, बिल्कुल। तो यू इक्वल्स टू माइनस का पी ई कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया स्थितिज ऊर्जा किसी भी वहा क्षेत्र में, वहा क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा आ गई। समझ में आया कैसे हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एक बात बताना, दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है। कैसी, ठीक, देखते हैं, इधर देखो जरा। आपने टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा किया था, तो हमने बताया था जरा साइन थीटा को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई आ जाएगा, याद आया, बिल्कुल सर याद आया। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा इतना तो कर लिया, ये क्या है कॉस थीटा है, ये क्या है, ये कॉस थीटा है। अगर हम कॉस थीटा को हटाते हैं तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि u इक्वल्स टू माइनस का p डॉट e, ये नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, माइनस का p डॉट e होता है, डॉट क्यों आता है, क्योंकि कॉस थीटा है। लेकिन टॉर्क वाले में क्या होता है, क्रॉस आता, क्यों, साइन थीटा है। समझ में आया, बिल्कुल सर, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। लीजिए ले लिया, ओके सर, बढ़ते हैं, करते हैं ऑल क्लियर। तो सर आज रखते हैं इतना ही, ठीक है, और आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा, स्थिति ऊर्जा आपको, स्थिति बाहर क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा समझ में आई होगी आपको, अच्छी स्थिति समझ में आई होगी, निरच्छी स्थिति समझ में आई होगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर वन से रिलेट हैं, कोई ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा कठिन हो, और बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं कराता जाऊँ बस धीरे धीरे मेरी बात सुनते जाना, हाँ आना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए आप बने रहें, आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर एंड प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन में। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और अपने पास रखने से घटती है, तो इसको बांटें, ठीक, फैलाएं, ठीक है। और न्यू अपडेट्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लें, जिससे आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।